पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने फिर चला मुस्लिम का। कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर जमकर निकाली भड़ास। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कहावत फिलहाल पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पर पूरी तरह से फिट बैठती नजर आ रही है, जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर बौखलाए हुए हैं। कश्मीर पर भारत को घेरने के चक्कर में वो इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अब उनकी दाल कहीं नहीं गली तो वो अब संयुक्त राष्ट्र पर ही अपनी खींच निकालने लगे। जी हाँ, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र पर बेतुका आरोप लगाया है। कश्मीर मसले पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इमरान ने कहा कि मुसलमानों पर जब भी अत्याचार होता है तो संयुक्त राष्ट्र शांत रहता है। वैश्विक समुदाय पर अपनी खींच उतारते हुए इमरान ने कहा कि अगर कश्मीर में मुसलमान ना होते तो पूरी दुनिया में शोर मच जाता, जिसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों पर अत्याचार की बात पर शांत रहते हैं। यही नहीं, एक वक्त में बालाकोट में भारतीय सेना की किसी भी कार्रवाई से इनकार करने वाले इमरान खान ने कहा कि भारत अब बालाकोट की तरह ही पीओके में भी कुछ कर सकता है। कश्मीर पर बौखलाए इमरान ने संघ पर बिफरते हुए कहा कि हमें उसकी विचारधारा को समझना होगा, ये नफरत में पैदा हुई जमात है जो हिंदुओं को ही श्रेष्ठ समझते हैं। इमरान ने कहा कि आरएसएस मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। एक तरफ इमरान ने संयुक्त राष्ट्र पर खींच उतारी तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि वो कश्मीर के मसले को फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सालाना सभा में उठाएंगे। इमरान ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। मैंने यूरोप के नेता ट्रंप और इस्लामिक देशों के नेताओं को कश्मीर के बारे में बताया है। पाक नेता ने कहा कि यदि आज दुनिया कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब इमरान खान भले ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने के लिए इस्लामिक कार्ड खेल रहे हों, लेकिन दुनिया के देशों के रुख से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इमरान खान का ये हथियार भी फुस साबित होने वाला है। इंडिया न्यूज़ बाइबल की रिपोर्ट।